नमस्कार, कोटद्वार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरीन। कोटद्वार में विभिन्न मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने बैस हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की, साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की भी बात कही। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना काल में हमें रखा गया और अपनी जान जोखिम में डालकर हमने पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाई और आज सरकार हमें 31 मार्च तक ड्यूटी करने का अल्टीमेट दे रही है। बताया कि हमारे कार्यकाल बढ़ाया जाए और संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोगों को 31 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है लास्ट ड्यूटी के लिए, तो हम चाहते हैं कि पहले तो हमारा जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाए। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का नियमितीकरण होना चाहिए। हम लोगों को एनएचएम में ही अटैच, मतलब पहले तो हम लोग ये जो आउटसोर्सिंग में थे, है ना, हम लोगों को जो ये कोविड के दौरान रखा गया था, पर हम ये चाहते हैं कि हमें एनएचएम में परमानेंट, हमें उसमें ही सम्मिलित किया जाए। देखिए, प्रकरण यही है कि हमें 2 साल पहले यहाँ पे कोविड के अंतर्गत जेड सिक्योरिटी के थ्रू, आउटसोर्सिंग के थ्रू रखा गया था, जबकि हमने पूरे ईमानदारी से अपनी श्रद्धा से ड्यूटी की है। और उस बीच में हमने चार या पाँच बार खुद कोविड पॉजिटिव हो चुका हूँ। और अभी जाके सीएमओ के द्वारा लेटर बनाया गया है कि 31 तारीख को इनका कार्य ना लिया जाए इनसे, जो गलत है। हम ये चाह रहे थे कि हमें संविदा कर्मचारी के रूप में यहाँ पे नियमित करा जाए।